अनमोल बनारस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वाराणसी के रामनगर स्थित मिट्टू की रिहाई की जगह है उम्मीद। चलते हैं दोस्तों एक नजर देखने खबर की ओर। वाराणसी के करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त से बेड़ियों में जकड़े हाथी मिट्टू की पैरोल पर रिहाई की उम्मीद जगी है। ये पहल खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश मिट्टू ने बीते 1.5 साल से ज्यादा समय से इसी तरह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है जानकर और रामनगर वन्यजीव संरक्षण से जुड़े आसपास के लोग बताते हैं कि बात आगे बढ़ी और अब मिट्टू को जल्द रिहा होकर लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क भेजने की उम्मीद जगी है। मिट्टू के इस दर्द को किसी ने ट्विटर के जरिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश तक पहुंचाया। उन्होंने चिड़ियाघर के डायरेक्टर रमेश पांडे से बात कर पैरोल पर रिहा कराने की बात की है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक जानकारी हमें मिली थी कि जनपद चंदौली में एक पिछले साल की घटना थी जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी और उस संबंध में एक बेजुबान जानवर हाथी को रामनगर के DFO का जो उनका संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर रखा गया है। जब इस पर जानकारी और अधिक हमारे स्तर से की गई तो ये पता चला कि एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई थी जिसमें महावत को पहले से ही जमानत मिल चुकी है लेकिन इस बेजुबान जानवर को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली थी। इस जानकारी पे मैंने अपने फॉरेस्ट सर्विस के साथी रमेश पांडे जी से संपर्क किया जो वर्तमान में नई दिल्ली में जू के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने दुधवा के फील्ड डायरेक्टर से संपर्क साधते हुए इस हाथी को वहाँ शिफ्ट कराने का प्रबंध किया है। वर्तमान में ये है कि चूंकि अभी लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और जैसी ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी उसके उपरांत मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो स्थान है एक जंगली जानवर के लिए जो सुरक्षित स्थान है यानी कि दुधवा का जो जंगल है वहाँ पर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। और ये पीछे जो साल भर से इसको रामनगर के संरक्षित क्षेत्र में रखा गया है उससे उसे मुक्ति